अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल अहमद और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इंटरेक्टिव एनवेलप टूल को। एनवेलप टूल बेसिकली क्या काम करता है? एनवेलप टूल का काम है कि ये एनवेलप टूल में हमारे पास एक कमांड ये होती है जिसके ज़रिए हम हमारे पास जो भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट होता है, उसको उसमें मल्टीपल नोड्स आ जाते हैं। वैसे नॉर्मली जो होता है उसके अंदर 6 नोड्स होते हैं, लेकिन इस टूल में इस टूल की कमांड के ज़रिए जब हम इस टूल को लेते हैं, इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें बहुत सारे नोड्स हमारे पास आ जाते हैं और हम बिल्कुल फ्रीली अपने टेक्स्ट को या अपने एक शेप को किसी भी उसको तो कोई एक रीशेप कर सकते हैं, कोई एक नया शेप दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम इस टूल की जानिब। हम देख लेते हैं ये टूल ये रहा, ठीक है। ये टूल बिल्कुल इन बाकी टूल्स के साथ है, ठीक है, ड्रॉप शेडो के बिल्कुल बराबर में ये टूल है। सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है लाइक दिस। मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से इंटरेक्टिव एनवेलप टूल। एनवेलप टूल लेने के बाद देखें, आपको ये जो आठ ये जो नोट्स नज़र आ रहे हैं ये तो हैं, लेकिन इसके अलावा ये यहाँ पर बारीक बारीक सी जो लाइन्स हैं ये वाली, तो ये भी हमारे पास नोट्स ही हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं जो कि रेडीमेड हमारे पास कोरल ने खुद हमें प्री डिज़ाइन है, कोरल ने हमें खुद दी हैं, तो उसके ज़रिए हम यहाँ पर देखें। एक रेक्टेंगल को मैंने एलिप्स की शक्ल दे ली, ओवल की शक्ल दे ली, ये देखें, ठीक है। ये एनवेलप टू और एनवेलप थ्री, ये देखें, ये इस तरीके से कोरल के पास जो कोरल के खुद के जो फीचर्स जो इन्होंने दिए हुए हैं वो हैं, लेकिन इसके बाद अब हम यहाँ से जो हमें सीखने हैं हम उनकी जानिब चलते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैंने ये टूल लिया और ये रेक्टेंगल मेरे पास सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर आने के बाद मैं एक नोड यहाँ पर लगा देता हूँ। ये नोड मैं जैसे ही लगाऊंगा तो ये वाले जो टूल्स हैं ये अभी देखिएगा आप, ये अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर नोड्स लगाता हूँ, एक नोड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो ये देखें ये एक्टिव हो चुके हैं। कन्वर्ट कर्व टू लाइन, ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये देखें, ये एक लाइन है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी, ये कर्व कर दिया हमने इस लाइन को, ठीक है जी। तो ये इस टूल का काम है। देन इसके बाद अगेन मैं एक नोट यहाँ लगाता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेक अ नोट कस्प, इसके ज़रिए देखें क्या होगा, ठीक है। मैंने ये लगा दिया नोट और ये देखें, इसके ज़रिए मैं यहाँ से इस शेप को उठा लेता हूँ और एक देखें, मैंने एक नोड यहाँ पर लगा दिया और दोबारा से मैंने कन्वर्ट नोड कस्प पे मैंने क्लिक किया और ये एज इट इज़ मैंने एक मास्क वाला एक शेप इसमें दे दिया, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की, अब देखें ये था तो एक हमारा रेक्टेंगल, लेकिन इसकी मदद से हमने इस टूल की मदद से हमने कितनी शेप इसको दे दी, दो शेप हमने इसको दे दी हैं, ठीक है जी। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ और इसके बाद अब मैं यहाँ पर दूसरे उनकी जानिब आ जाते हैं दोबारा से। अब मैं एक नोड यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक मेक नोड स्मूथ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नोड है ये स्मूथली यहाँ से देखिए इसने क्या हमारे साथ कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं एक यहाँ नोड लगाता हूँ और ये देखें आप, ठीक है, ये नोड को स्मूथ कर रहा होता है। देन इसके बाद एक नोड अब मैं यहाँ लगा लेता हूँ और ये देखें, ठीक है, ये इन टूल्स के काम है, लेकिन ये टूल हमारे अभी काम के नहीं है, ओके। जो मज़े के जो इसमें रीशेप होती हैं वो होती हैं इन तीन उसमें, ठीक है। तो हम इन तीन को देख लेते हैं। मेरे पास एक ये रेक्टेंगल ऑलरेडी मौजूद है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एनवेलप स्ट्रेट लाइन मोड, ठीक है, इसमें देखें क्या हुआ, ठीक है। मैं अपने नोड को उठा के यहाँ से एक को यहाँ रख दूँगा और यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँगा, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी उठा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी उठा सकता हूँ। तो देखें अभी एक शेप हमारे पास बन गई है, ठीक, अब देखें, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पर, ये मैंने एक तरफ से ही उठ रहा है और ये दूसरी तरफ से उठ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ उसमें राइजअप हों ताकि जो है ये शेप एक जैसी बने, ठीक है। क्योंकि देखें अगर मैं एक एक करके बनाता हूँ तो मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली शेप नहीं बनती, एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा ये साइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ से बिल्कुल इक्वल साइज़ रखने के लिए दोनों तरफ से मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल की प्रेस करके इन दोनों को एक साथ से मूव करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली दोनों इक्वल बने हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और अब अगर देखें हम
शिफ्ट के साथ, ठीक है, अब मैं शिफ्ट के साथ करके देख लेता हूँ। तो ये देखें शिफ्ट के साथ इसने हमारे साथ एक ये शेप को क्या एक रूप दे दिया है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं, अब हम दूसरे वाले की, दूसरे वाले पे हम चलते हैं। क्या है ये जी, ये है एनवलप सिंगल आर्क मोड, ठीक है। इस सिंगल आर्क मोड के जरिए भी देखें, मैं इसको अगर सिंगल उठाता हूँ विदाउट उसके, तो ये इस तरह की एक शेप बन रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ मूव करता हूँ, तो ये एक इस तरीके से इसने हमारे पास एक ऐसी शेप बना के दे दी, ठीक है। और ये मैंने कंट्रोल के साथ इसको ऐसे करा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करूँ, तो आप देखें ये शिफ्ट के साथ मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप इसको पहले उठा लें और साथ में ये देखें शिफ्ट के साथ आपने मूव किया तो एक ये इस तरह की शेप बन चुकी है, ठीक है। तो इस टूल का ये बेसिकली काम है। अब हम यहाँ पर इस टूल के साथ खेलने के एक इशू है कि आप इस टूल के साथ किस तरह से खेलते हैं। अब मैं यहाँ पे मिसाल ले लें, एक टेक्स्ट लिखता हूँ मुजम्मिल, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। अपना नाम लिखने के बाद मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ बोल्ड थोड़ा, ठीक है। और मैंने इसको साइज भी इसका इंक्रीज कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, चलें छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। ये मैंने एक इसका साइज ले लिया। देन इसके बाद अब मैं लेता हूँ एनवलप टूल। एनवलप टूल लेने के बाद एक इसके साथ एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। बाउंड्री बनने के बाद अब हम यहाँ से कुछ इसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, ओके। तो अब आप देखें कि मैंने यहाँ से इसको मूव किया और थोड़ा यहाँ से मूव किया। अब आप देख सकते हैं कि ये टूल ने कितना एक मज़े का इसमें शेप क्रिएट कर दिया, और जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इन दोनों को शिफ्ट के साथ उठाऊं, मिसाल ले लें ये मैंने शिफ्ट के साथ किया, तो ये देखें किस तरीके से एक इफेक्ट बना दिया। और अगर मैं अब इसको कंट्रोल के साथ मूव करूं, तो देखें, अच्छा मैंने कंट्रोल, कंट्रोल 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 उदय भाई कंट्रोल ये देखें ये मैंने कंट्रोल के साथ इसको मूव किया, तो ये इस तरह से एक इसने शेप बना के दे दिया, ठीक है जी। अब ये बाकी जो है इनमें भी इसी तरीके से काम करेगा। मिसाल ले लें, ये मैंने कुछ यहाँ से इसको मूव करवा दिया, यहाँ एक नोड लगाया और ये जो है यहाँ से थोड़ा सा इशू करता है क्रिएट, ओके। थोड़ा सा ये टूल जो है हमें नोट्स उठाने में थोड़े से इशू क्रिएट कर रहा होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से देखिए, अब ये इसने इस तरह से एक शेप बना दिया, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ तरह के शेप हमें क्रिएट करके देता है। अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल के साथ इस वाले को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कंट्रोल के साथ इसने हमें इस तरह का एक शेप बना के दे दिया। अब इसके बाद में यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल करने के बाद अब देखें, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मैंने इफेक्ट किया है। तो ये मुजम्मिल देखें कितने प्यारे इफेक्ट में बना हुआ नज़र हमें आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको ओरिजिनल कर लेता हूँ, तो ये ओरिजिनल में देखें ये ओरिजिनल, ठीक है। देन इसके बाद ये जो अभी हमने किया था वो था पट्टी और वर्टिकल, ठीक है। अब मैं वर्टिकल, इस पर वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल के साथ मूव करता हूँ, तो देखें, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से काम है इसका। लेकिन अब देखें एक और चीज़ जो इसमें मेन बताने वाली है, ठीक है, वो बताते हैं फिर इंशाल्लाह ये लास्ट पॉइंट अप करते हैं, ठीक है। अब मैंने मिसाल लें, एक मेरे पास ही ऑब्जेक्ट है और मैंने इस येलो कलर इसमें फिल कर दिया, और मैंने इसको एनवेलप टूल के जरिए एक मैंने शेप इसको लाइक दिस या दिस, ठीक है, एक मैंने शेप ये इसको दे दी। और मिसाल ले लें, ठीक है, चलें ये शेप मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब ये शेप मैंने इसको क्रिएट करने के बाद अब मुझे, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट मुजम्मिल ये लिखा हुआ है वो इस शेप के अंदर यहाँ पर इसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल इस शेप के जरिए।
इस शेप की तरह। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पे पहले जो टेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करना है वो इसके अंदर लगाना है, वो मैं पहले वो सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद मुझे आना है विंडो के मेन्यू में। विंडो में आने के बाद मुझे आना है डॉकर्स। डॉकर्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवलप। ठीक है, कंट्रोल F7 इसकी शॉर्ट की, आप शॉर्ट की से भी आ सकते हैं। ओके, एनवलप में आना है। एनवलप में आने के बाद अब आपने देखें जो अब आपने लेना है वो आपने पहले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर आए, ठीक है, क्रिएट फ्रॉम, क्रिएट फ्रॉम पे इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आके इसको छोड़ दें। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये देखें इस पर एक बाउंड्री बन गई है। अभी कह रहा है कि आपकी हमने जो है बाउंड्री क्रिएट कर दी। अब आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर दें। मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये एक अप्लाई हो चुका है। अब ये कुछ इस तरह से क्यों है, वो इसलिए है कि ये हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल से इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ से पट्टी करता हूँ। देन इसके बाद पट्टी या पुटी यार पता नहीं क्या है ये लिखा हुआ है। ठीक है, बहरहाल ये इस तरीके से आपने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये क्रिएट फ्रॉम, क्रिएट फ्रॉम करने के बाद ये एक बाउंड्री क्रिएट हो गई और अप्लाई। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आए और इसको ओरिजिनल और क्रिएट फ्रॉम। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दें। ये देखें आप अप्लाई हो गया है, ये बिल्कुल इस शेप के मुताबिक ये यहाँ पर टेक्स्ट को अप्लाई, टेक्स्ट पर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको लाके इसके अंदर भी रख सकते हैं। शिफ्ट पेज डाउन से आप, सॉरी पेज डाउन नहीं, आपने पेज अप करना था, खैर अभी आप पेज डाउन कर लें। ठीक है, शिफ्ट पेज डाउन आप करेंगे तो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है जिसको सिलेक्ट करके रखेंगे ये पीछे चला जाएगा, और जो आपका ऊपर वाले जो पीछे वाले को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप जब आप करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये ऊपर आ गया और ये शिफ्ट पेज डाउन से नीचे चला गया। सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।